सेकेंड ग्रेड की बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। तो उससे पहले यहाँ पर देखिए देर रात मुख्यमंत्री भजन लाल का ट्वीट नई भर्तियों को लेकर। इसमें सारी भर्तियाँ शामिल है 1,00,000। विधानसभा सत्र पूरा होते ही प्रदेश में भर्तियाँ ही भर्तियाँ निकलेगी। युवाओं को पूरी तरह से सरकारी नौकरियों का मौका मिलेगा। युवाओं को रोजगार से जोड़ने का भी काम करेंगे और सरकारी नौकरी देने का भी काम करेंगे। तो ये देर रात मुख्यमंत्री का ट्वीट है नई भर्तियों को लेकर। विधानसभा सत्र पूरा होते ही यानी अगले महीने के अगस्त से ही शुरुआत से ही आपको 1,00,000 नई भर्तियों की प्रक्रिया देखने को मिलेगी। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि वर्गीकरण क्या हो सकता है, लगभग ऐसा ही रहने वाला है। जैसे 1,00,000 घोषणा हो रखी है, 50,000 तो चिकित्सा विभाग की हो जाएगी भर्तियाँ, 25,000 शिक्षा विभाग की हो जाएगी, इसमें रीट नहीं है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दोनों भर्तियां आरपीएससी द्वारा जारी होगी, जिसमें फर्स्ट ग्रेड के 6,000 से लेकर 7,000 के बीच पद, सेकंड ग्रेड के 9,000 से 10,000 के बीच पद, पीटीआई के भी पदों पर जारी होगी विज्ञप्ति। तो 25,000 शिक्षा विभाग के पद हैं, रीट के पद नहीं है, रीट पात्रता परीक्षा होगी, बाद में पद जारी होंगे शिक्षक भर्ती से पहले, अगले साल से पहले, मतलब साल के लास्ट तक। अगले साल शिक्षक भर्ती कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा, इस साल पात्रता परीक्षा बोर्ड माध्यमिक द्वारा। तो 50,000 चिकित्सा विभाग के हो गए, 25,000 शिक्षा विभाग के, लगभग सेम ऐसा रहने वाला है। 25,000 अन्य जिसमें पुलिस विभाग, कांस्टेबल, एसआई, कृषि विभाग, वन विभाग, बिजली विभाग, तो ये 25,000 में आ चुके हैं सभी। तो 3 कैटेगरी में मैंने बांटा है, सेम ऐसा रहने वाला है। चिकित्सा विभाग की सबसे ज़्यादा भर्ती आएगी 50,000 पदों पर, सरकार ऑलरेडी चिकित्सा मंत्री घोषणा कर चुके हैं विधानसभा में। 25,000 शिक्षा विभाग, रीट को छोड़कर बाकी सारे पद इसमें होंगे, रीट के बाद में जारी होंगे। इसके अलावा दोस्तों स्पेशली सेकेंड ग्रेड को लेकर न्यूज़ है, तो शिक्षा विभाग में आज की तारीख में 54,000 यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये माध्यमिक शिक्षा का आंकड़ा, 54,000 शिक्षकों के पद खाली, और ये लेटेस्ट अपडेट हुआ प्रेस नोट, सेकंड ग्रेड के लिए महत्वपूर्ण है, रीट के लिए भी है। सेकंड ग्रेड के यहाँ पर देखिए प्रारंभिक शिक्षा विभाग में अध्यापकों के पदों का विवरण है 11 जुलाई के अनुसार, आज 23 जुलाई, 11 जुलाई के अनुसार, यानी आज की डेट आप मान के चलो लगभग। तो इसमें प्रारंभिक शिक्षा में HM के सेकेंड ग्रेड के पद खाली है 8,580 पद, 8,580 प्रारंभिक शिक्षा में पद खाली है सेकेंड ग्रेड के HM के हेडमास्टर के 8,580, और माध्यमिक शिक्षा के 8,580 हो गया पद प्रारंभिक शिक्षा के, माध्यमिक शिक्षा के इसमें दे रखे हैं 25,396। तो इसका आंकड़ा पहुंचता है करीब 35,000। 10,000 पदों पर DPC जारी है, नियुक्ति 31 अगस्त से पहले हो जाएगी कार्मिक विभाग के आदेश के अनुसार। तो 10,000 पद वो ऐड हो जाएंगे क्योंकि वो प्रमोट होंगे फर्स्ट ग्रेड में, तो सेकंड ग्रेड के पदों की संख्या हो जाएगी 35,000, तो वर्तमान में है करीब करीब 45,000 के आसपास सेकंड ग्रेड के पदों की संख्या हो जाएगी। अब ये पद भरे जाएंगे आगामी कुछ महीनों में, 1-2 महीने के अंदर। थर्ड ग्रेड की DPC से 4 सत्रों की DPC पेंडिंग है थर्ड ग्रेड की, 30,000 पदों पर। इसके माध्यम से ये सारे के सारे पद लगभग 70-80% पद भरेंगे DPC से। तो 30,000 पद 45,000 में आप कम कर दो, 15,000 की संख्या बचती है, अब ये 15,000 बाकी सीधी भर्ती के माध्यम से भरेंगे। तो 15,000 पदों पर, तो इतने पदों पर तो कार्मिक विभाग, वित्त विभाग स्वीकृति देगी नहीं, तो आप मान के चलो 9,000 से लेके 10,000 के बीच सेकेंड ग्रेड के पद रहेंगे, पिछली भर्तियों के हिसाब से देखें तो इतने पद रहते हैं। तो ये सेकंड ग्रेड को लेकर लेटेस्ट न्यूज़ है, सबसे ज़्यादा पद सेकंड ग्रेड के ही खाली है राजस्थान के शिक्षा विभाग में आज की तारीख में 45,000। 10,000 पदों पर DPC चल रही है, जैसे ही जॉइनिंग होती है वहाँ पर 10,000 पद खाली हो जाएंगे, तो 45,000 के आसपास पद हो जाएंगे, और DPC थर्ड ग्रेड के होने के बाद भी 15,000 पद खाली रहेंगे सेकेंड ग्रेड के। तो सेकेंड ग्रेड की विज्ञप्ति
अच्छे खासे पदों पर आने की संभावना हो सकता है। 10,000 से ज़्यादा पदों पर भी सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति जारी हो सकती है। लेकिन इनमें नया आंकड़ा जो जारी हुआ ना, ये तो पहले भी जारी हो चुके थे 25,396 और 10,000 DPC, लेकिन ये लेटेस्ट आंकड़ा प्रारंभिक शिक्षा का जारी हुआ है। यहाँ पर देखिए सेकेंड ग्रेड 8,580 पदों को लेकर, 8,580 पदों को लेकर ये लेटेस्ट आंकड़ा जारी हुआ है सेकेंड ग्रेड का। प्रारंभिक शिक्षा में भी पद खाली बम्पर सेकेंड ग्रेड के।